नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजातरीन खबरों पर। मध्य प्रदेश में चिकित्सकों द्वारा प्रदेशव्यापी हड़ताल शुक्रवार को वापस ले ली गई है। हालांकि धार भोज अस्पताल में करीब 12 बजे दोपहर तक डॉक्टर्स अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए थे। इस समय जिला अस्पताल में मरीज परेशान होते नजर आए। इंडोरमा पीतमपुर से प्रसूति के लिए आई महिला बेबस होती नजर आई। महिला चिकित्सक के उपलब्ध नहीं होने से गर्भवती महिला को होने वाली तकलीफ और दर्द, घबराहट और बेचैनी होने पर परिजन ऑटो रिक्शा से प्राइवेट अस्पताल लेकर पहुंचे। हड़ताल के कारण मरीजों को परेशान ना होना पड़े, उनका सही समय पर उचित उपचार किया जा सके, इसके लिए जिला कलेक्टर प्रियंक मिश्रा और पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह तत्काल भोज अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे और इमरजेंसी के दौरान गंभीर और सीरियस मरीजों को यदि कहीं शिफ्टिंग करना है तो इसकी व्यवस्था किस तरह से की गई है, ये सारी व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली गई। मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अहिरवार ने बताया कि चिकित्सा महासंघ की मांगों को लेकर हाई पावर कमेटी बनाई जाएगी, जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री के साथ महासंघ के पदाधिकारी द्वारा चर्चा कर हमारी 3 सूत्री मांगों को रखा जाएगा। ऐसा मैसेज महासंघ की ओर से आज दिया गया है, जिसके बाद हड़ताल समाप्त कर काम पर लौट आए। इस चिकित्सकों ने संभाला मोर्चा। जिले में चिकित्सकों द्वारा हड़ताल पर चले जाने से जिले में चिकित्सा व्यवस्था सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए कलेक्टर प्रियंक मिश्रा के निर्देश से जिला आयुष डॉक्टर्स और RPS की टीम को चिकित्सा सुविधा के लिए लगाया गया। आयुष अधिकारी डॉक्टर मुवेल ने बताया कि जिला भोज अस्पताल सहित जिले में सभी आयुष डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाकर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई है। सुरक्षा दृष्टि से CSP देवेंद्र सिंह ध्रुवे, कोतवाली थाना प्रभारी दीपक सिंह चौहान और जिला अस्पताल पहुंच कर नजर जमाए रहे। समय जगत के लिए जिला अस्पताल में बल्कि जिले के सभी सिविल हॉस्पिटल्स में और CHCs में भी प्रशासनिक अधिकारी चेक करने जा रहे हैं कि जो व्यवस्था ऑल्टरनेट वैकल्पिक व्यवस्था जो बनाई गई है, आयुष विभाग के हमारे चिकित्सक और RBSK की टीम को लगाया गया है और कुछ सीनियर डॉक्टर्स बॉन्डेड जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनके माध्यम से यहाँ पे व्यवस्था बनाई गई है। तो ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हॉस्पिटल में किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो। जो बहुत सीरियस और क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उनकी जो शिफ्टिंग करानी है वो भी हम लोग करेंगे और बाकी सबको सुचारू रूप से इलाज मिल सके इसकी व्यवस्था की गई है। मैं यही व्यवस्था देखने आया था। मुझे ऐसा लगता है कि इसको हम लोग मैनेज कर लेंगे, किंतु मेरा सभी डॉक्टर्स जो हड़ताल पे उनसे अपील है कि आपकी जो मांगें हैं वो शासन के स्तर पे उनका निराकरण किया जा रहा है और आप लोग काम पे वापस आएँ। ऐसे मुझे संदेश मिला है हमारे महासंघ की तरफ से, महासंघ के पदाधिकारियों को चिकित्सा शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है और उन्होंने एक आश्वासन दिया है कि हमारे लिए एक हाई पावर कमेटी बनाई जाएगी जिसमें हमारे चिकित्सा संघ के पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे और जितनी जल्दी हो सके हमारी समस्याओं का निराकरण किया जाए। इसलिए तत्काल प्रभाव से ये हमारी हड़ताल बिल्कुल खत्म कर दी है और हम सभी लोग वापस काम पर आ गए हैं। आपका नाम और पता? डॉक्टर कमलेश अहिरवार, मध्य प्रदेश मेडिकल ऑफिसर ऑफिसर जॉइंट सेक्रेटरी। धार से अल्ताफ खान की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.